कलम ने ये पढ़ा था इसमें कम्युनिकेशन में, देखो इसमें इसमें से कोई डाउट हो तो आपको बताओ, आईसीटी का जो भी पोर्शन है इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ज्यादा वहीं से ही आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रेंथ क्या, लिमिटेशन क्या आईसीटी की, है ना। और इसके बाद हमने ये कम्युनिकेशन का किया था थोड़ा बहुत, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मीडिया। बताओ क्या होता है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस? ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वालों दिख रहा है या नहीं? कुछ आवाज नहीं जा रही शायद। सर दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लो कैमरा, शायद आपने दूर कर दिया। आई थिंक कैमरा दूर तो नहीं गया, मैंने रोटेट किया था। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे बताना जब ठीक हो जाए। हो गया ठीक है? ये आईसीटी की मेरी ट्रेनिंग कम है, है ना। लिसन, इससे ज्यादा बड़ा तो क्या ही होगा। अब बताना। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। ठीक है ना। कहाँ थे हम? कैमरा पता नहीं कैसे सेट है, ये स्लाइड दिखती है तो मैं नहीं दिखता। कोई नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है एक तो एनएमई आईसीटी से, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन, है ना। ठीक है, एनएमई आईसीटी और नेपटेल जो है ना, इन्हीं से सारे के सारे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं। और जो मेन जो इनका सेंटर है वो है बाईजैक गांधीनगर, है ना, जो इनफ्लिम नेट है। कल किसी ने पूछा था इनफ्लिम नेट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, वहाँ एक डिजिटली नेटवर्क सेटअप है जिससे सभी रोटेट सॉरी सभी के सभी जो है ना कि कनेक्ट है, वहाँ से डाटाबेस वो उठाते हैं, वहीं उनका सर्वर है, मेन सर्वर जो है। ठीक है, हमने डिजिटल इसमें हायर एजुकेशन में इनिशिएटिव जो है ना कि कल देखे थे, इसमें स्वयं का हमने कर लिया था ना। स्वयं की फुल फॉर्म बताओ। हाँ ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन 100% आता है। स्वयं के फोर क्वाड्रेंट्स थे। ठीक है, फोर क्वाड्रेंट्स में एक तो था वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट याद होने चाहिए। स्वयं जो है ना कि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है ना, उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो है ना कि स्वयं प्रभा, जो स्वयं प्रभा है वो 24/7 डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जो केबल नेटवर्क होता है घरों में, तो वो 32 की जगह 34 चैनल्स इसके ओपन हो गए हैं। दिन में ये एटलीस्ट फोर आवर जो है ना कि ये डिलीवर होता है, और 6 टाइम होता है ना, तो हाँ तो 6 × 4 = 24, तो होल डे जो है ना कि ये प्रेजेंटेशन चलती रहती है। और ये स्कूल पे जो है ना कि 9th से 12th के लेवल तक के जो कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, या बाकी जो स्कूल एजुकेशन की है, उससे ये चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, एनडीएल जो इसको बोलते हैं, इसमें ई कंटेंट ई बुक्स है बहुत सारी। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, ये भी किससे सैंक्शन है, एक तो आईआईटी खड़गपुर, एनएमई आईसीटी एंड एमएचआरडी, इन्होंने ये डेवलप किया है। इसमें ई कंटेंट है, वर्चुअल लाइब्रेरी है। वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो टेक्नोलॉजिकली जो हमारे पास अवेलेबल है, ई कंटेंट पीडीएफ की फॉर्म में हो या वर्ड की फॉर्म में हो, है ना, उस फॉर्म में जो जितनी भी किताबें हैं। और इसका जो इसमें ये पैन इंडिया वर्क करता है, क्योंकि आईसीटी का कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जहाँ भी नेट कनेक्शन होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी, वहाँ होगी, है ना। ये कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज से भी लेता है। अप्रोक्सीमेटली 72 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल है इसमें, है ना। उसके बाद आया था एनएडी, नेट बोलते हैं जिसको, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी।
इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट, आपका लाइसेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपके सबमिट कर सकते हैं। और ये आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो ये उसकी तरह वर्क करता है ना, आप उसको शो कर सकते हैं कि ये भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स है उस तरीके से, है ना। उसके बाद इस सिंधु में है ना मोर देन 15,000 इंटरनेशनल जर्नल्स है, ई बुक्स है, रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है। तो ये जनरली जो है ना कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या फिर जो न्यूज़ पेपर में काम करते हैं, जो अलग तरीके से जो जिन्होंने अब अपने जो है ना कि रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर रखे, जैसे CMS है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडी, CSDS है ना, ये सारे के सारे क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या और भी जो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो जर्नल होता है ना उसकी बहुत हाई कॉस्ट होती है, बहुत सारे पेड जर्नल होते हैं, फ्री में एक्सेस नहीं होते, है ना। तो गवर्नमेंट कुछ जर्नल्स की पेमेंट करती है, जिस तरीके से हमारी MD यूनिवर्सिटी में आप देखोगे ई लाइब्रेरी करके है, तो वहाँ टेलर एंड फ्रांसिस और बाकी जितने पब्लिकेशन है, वेब ऑफ साइंस हुआ, स्कोपस हुआ, SPSS हुआ, तो फ्री में अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट को, इनकी पेमेंट यूनिवर्सिटी करते हैं, है ना। उसके बाद जो इनिशिएटिव है, उसके बाद ये बचिया वर्चुअल लैब, है ना, जो आप पूछ रहे थे वर्चुअल लैब, मैंने बताया था कि फिजिकली डिस्टेंस से बैठ के भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है कोई भी जो स्टूडेंट हुआ या जो रिसर्चर हुआ, ठीक है। उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए और उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि उसको कैसे रन करना है उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। उसके बाद है ई यंत्रा, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है NTA का। ई यंत्रा रोबोटिक साइंस से रिलेटेड है ना। इंजीनियरिंग में जो हम रोबोटिक साइंस की स्टडी, यंत्रा का मतलब होता है यंत्र जैसे जो हम करते हैं, तो रोबोटिक साइंस की स्टडीज इसमें होती है। इसमें बहुत सारे कोर्स है उससे रिलेटेड, है ना, मैं ज़्यादा स्पीड से कराऊँ तो बता देना, ठीक है। ये भी MHRD का है और डेवलप्ड बाय IIT भी। तो इस तरीके से ई यंत्रा की ये वेबसाइट भी है जिसपे आप अगर आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें है क्या, है ना। तो एक एक बार इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लेना। उसके बाद है कैंपस कनेक्टिविटी, जैसे MD में वाईफाई का नेटवर्क है ना, जैसे इंडिया के सभी कॉलेजेस को गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ MHRD ने फ्री एक्सेस दे रखा है इंटरनेट का, फ्री वाईफाई पर, वो कोई कॉस्ट नहीं लेता। तो ये VPN नेटवर्क के थ्रू काम करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के, मतलब जिसके पास इसका ID पासवर्ड होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, ओपन सोर्स का नहीं है ये, है ना, एक तरीके से। और कैंपस की कनेक्टिविटी से 1 Gbps की ये कनेक्टिविटी की वो देता है। और ये भी NMEICT का जो नेशनल मिशन है ना, उस मिशन के तहत ये सारे इनिशिएटिव है, ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और ये जैसे PMO का इनिशिएटिव था, डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव था ना, उसी के अंडर ये आता था। और IITs, IIMs, NITs, जितने भी कैंपस है ना वहाँ वाईफाई अवेलेबल है, और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक तो LAN होता है, जैसे जो लोकल वायर नेटवर्क होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिक्स होता है, लाइट से रिलेटेड होता है, वो अलग तरीके के फाइबर्स होते हैं, वायरिंग होती है एक तरीके की, ये तो है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और सब जगह ये कैंपस कनेक्टिविटी का फ्री में है, सभी के पास नेट की कनेक्टिविटी है ना। तो आपसे चार्ज नहीं ले सकती कोई यूनिवर्सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ एक्सेस है। टॉक टू टीचर एक प्रोग्राम है, टॉक टू टीचर में क्या है कि ये IIT बॉम्बे का इनिशिएटिव है, और ये भी नेशनल NMEICT के थ्रू ही ये इनिशिएटिव है, MHRD इसको फंडेड करता है। और IIT बॉम्बे की डिफरेंट फैकल्टी है ना, वो वर्चुअल क्लासरूम है एक तरीके से, उसमें वो क्या करते हैं कि आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ हो, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे ना टॉक टू टीचर, तो उनके टीचर से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। वो हो सकता है कि आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, या जो लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे कमेंट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये टॉक टू टीचर इनिशिएटिव था। ई आचार्य में भी इसी तरीके का, ई आचार्य से ही नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो अलग अलग कम्युनिटी के जो साइंटिस्ट है, तो इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है ये आपको कई बार ये लगेगा कि ये मिक्स से है सभी के सभी, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेज है इनके, ठीक है। जैसे इसमें वही है कि इसका रिपोजिटरी जो सेंटर है वो इन फ्लिपनेट सेंटर गांधीनगर है, ये भी ई कंटेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है ये, है ना। उसके बाद इसमें जितना भी डिजिटल कंटेंट है, मेटा डाटा, जो मैंने मेटा का कॉन्सेप्ट बताया था, और मोस्टली
एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, जो एनसीईआरटी के लेक्चर होते हैं, एनसीईआरटी की क्लासेज होती है, वो इसमें सारी चीजें होती है। ई कल्पा का मतलब है डिजाइन, कल्पा का मतलब है डिजाइन से रिलेटेड। तो ई कल्पा जो इनिशिएटिव है वो डिजाइन से रिलेटेड है। तो जो जितने भी डिजाइन के कोर्सेज वगैरह है ना, या डिजाइन के लेक्चर है, या डिजाइन के जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे ई कल्पा पे आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है फोसे। फोसे का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं क्लोज, मतलब हम उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, है ना। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, उनको हम अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स है, वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ना। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे वो इनबिल्ट है ना, उसी के अनुसार हमें उनकी कमांड देनी पड़ती है। तो ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है इसी NMEICT के थ्रू, ठीक है। इसमें जैसे IIT मुंबई ने इनिशिएटिव लिया है इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो अलग अलग आता है, जैसे टेक्स्ट बुक के हो गए, और इसमें लैंग्वेज ये पूछेंगे नहीं, बस इसकी फुल फॉर्म ही आएगी, जो आएगी तो पेपर में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है ई विद्वान। ई विद्वान में भी क्या है कि ये भी इन्फ्लिमनेट का है, जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का इनिशिएटिव है। विद्वान, विद्वान का मतलब है कोई जैसे ये कहते हैं कोई आदमी विद्वान है। तो यहाँ पे इस पे जो प्लेटफॉर्म आप देखोगे ISC बेंगलोर के, IITs के, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको, जहाँ से आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तो ये एक तरीके का ई विद्वान, आप जब लोग उस पे वेबसाइट पे जाओगे तो, और ये फाइनेंशियली सपोर्ट इसको NMEICT से मिला है। तो इसका मतलब है कि जो ये अम्ब्रेला टर्म है NMEICT, उसके अंदर ये सारे के सारे जो है ना कि इंस्टीट्यूट है, या जो जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है वो है ना। तो इस पे आपको जो है ना कि रिसर्चर्स का नेटवर्क है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया के जो अच्छे अच्छे रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उनकी यहाँ प्रोफाइल मिलेगी। उस प्रोफाइल पे जाके आपको कुछ भी उनसे क्योरी है, डिस्कशन करना है, या उनके कोर्स है, वो आप देख सकते हो। एक तरीके से है ये। नेक्स्ट है, ये आया समझ में, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ई विद्वान है क्या। तो वो होता कि एक्सपर्ट्स का एक नेटवर्क है, जहाँ हम अपनी IIT ISC के जो प्रोफेसर्स है, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन, ई विद्वान का, ई यंत्रा रोबोटिक्स से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट है इसमें क्लाउड सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ लिखा नहीं हुआ, मेघराज के नाम से है इंडिया का। तो क्लाउड सिस्टम क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे आपने देखा हुआ गूगल ड्राइव है ना, और ये गूगल की है गूगल ड्राइव, है ना। वन ड्राइव होती है, वन ड्राइव का नाम सुना है, किसकी होती है ये वन ड्राइव, एप्पल की, एप्पल की नहीं होती है, माइक्रोसॉफ्ट की होती है, माइक्रोसॉफ्ट की होती है वन ड्राइव। outlook.com जैसे गूगल के क्या होते हैं, जीमेल है ना, हम gmail.com लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट किया outlook.com, शायद पहली बार सुना होगा, है ना। जैसे गूगल की जीमेल है ना, ईमेल आईडी, है ना। वैसे तो ईमेल का सिनोनियम आजकल जीमेल ही हो गया है, तो ईमेल का मतलब है कि जीमेल कर दो, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में इतना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का है outlook.com, जैसे उसका गूगल का gmail.com है। हेलो, हाँ सुना हुआ है, अच्छी बात है, है ना। तो outlook.com माइक्रोसॉफ्ट का है ना, और इसी का वन ड्राइव है। तो ये क्या क्लाउड, जैसे अनअकैडमी चलती है, उनका एक क्लाउड है। टेलीग्राम पे आप कुछ भी आता है आपके पास, वो आपको डाटाबेस नहीं लेता। जैसे व्हाट्सएप पे जो भी आप डाउनलोड करोगे वो आपके स्टोरेज लेगा मोबाइल की, लेकिन टेलीग्राम आपकी मोबाइल की स्टोरेज नहीं लेता जब तक आप उसको अल्टीमेट सेव नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि टेलीग्राम का अपना क्लाउड है ना, जहाँ सारा उनका डाटाबेस सेव होता है ना। इसी तरीके से सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर था क्लाउड का, इसके तहत कि गवर्नमेंट है ना क्लाउड प्रोवाइड कराएगी, मतलब एक सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ आप लॉग इन करके और वहाँ से ले सकते हो, अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हो और वहाँ अपना डाटा सेव कर सकते हो। तो ये भी है, और मेघराज के नाम से है सेंट्रल क्लाउड इज कॉल्ड, यहाँ
बादल लिखा हुआ है और मेघराज भी है इसका, इसमें नहीं लिखा हुआ, मेघराज भी इनिशिएटिव है। तो 24x7 बैक डाटा सेंटर है, यहाँ आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, एक ये इनिशिएटिव है। ठीक है, ये आया समझ में, क्लाउड सिस्टम। उसके बाद है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये इसने दे रखा कनेक्टेड डिजिटली NKN। जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे ना नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, सैम पित्रोदा थे इसके या कोई और थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे नेशनल नॉलेज नेटवर्क था, उन्होंने कहा था कि हम मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे, है ना, तो उसमें यूनिवर्सिटीज होंगी, कैंपसेज होंगे। तो इसमें यार जब हम डिजिटली की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम जो कैंपस खोलेंगे उनमें डिजिटली नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, लैपटॉप डेस्कटॉप और ये सारी कनेक्टिविटी, वाईफाई टू द होस्टल, ये सारी कनेक्टिविटी देंगे। तो NKN को ये इससे रिलेटेड कर रहा है। वैसे नेशनल नॉलेज कमीशन नाम है इसका, कांग्रेस गवर्नमेंट में आया था, तो उसका इनिशिएटिव था कि हमें हायर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ओपन करने हैं, ताकि जो मैंने कल बताया था, जो GER है अपना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो हमारा 27% के आसपास है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, और ये सारी जो जद्दोजहद है ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज करने की है। जब हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे तो इंडिया का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 27% और वर्ल्ड का आई थिंक 36 के आसपास है पूरे वर्ल्ड का। तो ये उसी के लिए है कि हम इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेंगे और उतना ही ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ेगा। उसके बाद है सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम CDEEP, ये भी एक क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोग्राम है जिसमें रियल टाइम जो लाइव चलती है ना क्लासेज, उस तरीके का इन्होंने नेटवर्क डेवलप किया था IIT मुंबई ने। तो मोस्टली जो आप देख रहे हो सारे के सारे जो इनिशिएटिव है वो IITs या IIC या ये करे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली तो वही एनहेंस है ना, शार्प है, तो वही सारे इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं। EDUSET है एजुकेशन, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है EDUSET क्या है। EDU मीन्स एजुकेशन, SET मीन्स सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अलग अलग तरीके की सैटेलाइट है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल की होती है जो जियो स्टेशनरी होती है वो। तो जो एजुकेशनल सैटेलाइट है उससे ये सारे के सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई इंटरनेट है ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये सैटेलाइट के पास जा रहा है सिग्नल, सैटेलाइट से फिर वापस आ रहा है किसी के जो मोबाइल है या लैपटॉप है, वहाँ इंटरनेट के थ्रू पहुँच रहा है। इसी तरीके से जब ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग भी इसी तरीके से होती है कि वो जो टेलीविज़न का वो है ना, जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में कोई ऑफिस है ये, ठीक है, यहाँ कोई यूजर बैठा हुआ है, ये इनका प्रोडक्शन हाउस है ना, और यहाँ कोई यूजर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि ये सिग्नल जो है ना कि इस ऑफिस से जो यहाँ टावर होंगे इनके, वहाँ से सिग्नल जाएगा सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट के पास इसके जो नियरेस्ट जो टावर होगा वहाँ आएगा सिग्नल, और उसके पास यूजर के पास जाएगा, चाहे मोबाइल हो एंड्रॉयड हो। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग का जो है ना कि काम होता है। तो इग्नू के जितने भी है ना, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसके बहुत सारे चैनल्स है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, दर्शन बोले तो टेलीविज़न में आगे बताऊंगा, और वाणी है तो रेडियो है, तो इस तरीके से है। तो इग्नू के बहुत सारे, और सबसे पहले एजुकेशन में अगर माने तो इग्नू ने ही शुरू किया था सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट का नेटवर्क। तो उसमें EDUSET का मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट, जो कनेक्टिविटी के लिए ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह। अच्छा, IIMs के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वहाँ भी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे हुए, इसमें ज़्यादा पूछेंगे। NIIT का पता होगा, नेशनल IIT से जो नीचे के इंस्टीट्यूट होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके इसकी कुछ डेफिनेशन। इसी तरीके से बृहस्पति है, ये भी ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये IIT कानपुर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बृहस्पति किस इंस्टीट्यूट ने दिया, तो IIT कानपुर ने, ठीक है, इस तरीके से याद है। EDUSET किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में आ गया, इग्नू से रिलेटेड है, है ना। और नेशनल नॉलेज कमीशन का यही है कि ये हायर एजुकेशन में आप इसको पढ़ोगे। और प्राइवेट प्लेयर्स तो बहुत है, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे क्या बोलते हैं उसको, अनअकैडमी है ना, बायजू है, ठीक है, और उस पर व्हाट्सएप कह रहा हूँ मैं, सॉरी, उस पर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटर हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आ गए आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो एजुकेशन का डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या कोर्सेज देने हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर है, वो हायर एजुकेशन पे भी है,
ग्लोबल भी है, कोर्सेरा है जैसे, EDUX है, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड करती है। और डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स का बताइए आपको, PDF की फॉर्म में, ई कंटेंट की फॉर्म में जो बुक आ जाए उसको डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट डिलीवरी यूजिंग ICT। तो कंटेंट डिलीवरी का यही है कि जैसे मैंने बताया था कि जो सोर्स है ना कंटेंट का डिलीवरी, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि रेडियो आया था ब्रॉडकास्टिंग में, तो जो डेवलपमेंट होता है ICT का, ICT में सबसे पहले क्या आया, रेडियो है ना, 1920s के आसपास आया ये। ठीक है, उसके बाद टेलीविजन आया इंडिया में 1959 में। ठीक है, उसके बाद क्या आया, इंटरनेट, इंटरनेट आया 1969 में। ठीक है, उसके बाद 1990, ये अमेरिका में आया था उस टाइम पे। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा पूरा क्योंकि स्पेन से आदत नहीं है लिखने की। तो 1995 में जो इंटरनेट है ना वो पब्लिक मतलब आम पब्लिक के लिए ओपन हो गया था। उससे पहले आम पब्लिक असेस नहीं कर पाते थे इंटरनेट को, और उससे पहले सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट था ब्रॉडकास्टिंग का, इंटरनेट नहीं था। तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती थी कि सैटेलाइट थी, रेडियो के जो प्रोडक्शन हाउस थे वहाँ से ब्रॉडकास्ट होता था, वो सैटेलाइट के पास जाता था, और सैटेलाइट से हमारे जो सोर्सेज है जो हम या सिंक कह सकते हैं उसको, रिसीवर के पास वो मैसेज आ जाता था। ठीक है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे इसमें है AICT। AICT का मतलब पता है क्या है? AICT तो बहुत ज़्यादा आएगा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए UGC होता है ना। AICT जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है ना, और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के लिए भी आएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, आपका ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे आपके, ऑनलाइन ही असाइनमेंट होंगे, आपको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, बस आपको फीस पे करनी है और UGPG के जो है ना आपके आपके कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो इसकी कवायदे चल रही है आजकल शुरू करने की, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है भी, जैसे स्वयं के थ्रू आप कर सकते हो, ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जैसे हार्वर्ड यू जैसी यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है वो मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसमें जो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने, भी अरविंद केजरीवाल ने इनिशिएटिव शुरू किया, हम वर्चुअल स्कूल स्टार्ट करेंगे कि बच्चों को स्कूल में आने की जरूरत नहीं, हम कुछ एक स्कूल का वो करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन का अल्टरनेट नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बारे में हमने कल बात की थी। अच्छा, जब दर्शन आ जाए ना, दर्शन का मतलब है टेलीविजन से रिलेटेड है वो, है ना। तो ज्ञान दर्शन जो लॉन्च हुआ था 2000 में, ये जॉइंट एफर्ट था किसका, इग्नू का और IIT का। तो जो सबसे पहले एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकली पेनिट्रेट किया किसी इंस्टीट्यूशन ने, तो वो इग्नू था। तो इग्नू के सबसे पहले कोर्स स्टार्ट हुए, तो उसने ब्रॉडकास्ट किया, सारे प्रोग्राम स्कूल्स के लिए थे, यूनिवर्सिटीज के लिए थे, और UGCEC का जो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, UGCCEC मिलके, कई बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आती है कि भी CEC क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जिसके डायरेक्टर जो अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे पहले, जो प्रोफेसर राजवीर सिंह है ना, ये पहले CEC के डायरेक्टर थे। ठीक है, ये लिखा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, है ना, इसकी ये फुल फॉर्म ज़्यादा पूछेंगे इसमें। ज्ञान वाणी का मतलब है, वाणी का मतलब है रेडियो, है ना। तो ये रेडियो पे जो ब्रॉडकास्ट होते थे इग्नू के जितने भी प्रोग्राम थे, तो ये भी इग्नू एंड IIT का जॉइंट वेंचर था, है ना, जो क्लासरूम इनिशिएटिव था। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से अपनी कंट्री में एजुकेशन में का एक्सेस आया लोगों के पास, है ना। इंफॉर्मेशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट जो हम करेंगे, वो टेक्नोलॉजी का मदद से हम कितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी का मैंने बता दिया रेडियो का है वाणी से रिलेटेड। ठीक है, ये जिस तरीके से ज्ञान दर्शन है, तो दूरदर्शन भी एक चैनल है, दूरदर्शन पे भी वो आते थे।
अब है ई ज्ञान कोश क्या है? ई ज्ञान कोश क्या है? एक रिपोजिटरी है, जब कोश ही समझ में आ रहा है, जैसे डिक्शनरी होता है, शब्दकोश होता है, तो वो एक रिपोजिटरी होगी जहाँ आपको बुक्स वगैरह कंटेंट वगैरह वहाँ मिलेगा। तो ये जो ई ज्ञान कोश है, इग्नू ने 2005 में शुरू किया था। बस इतना ही पूछ सकते हैं कि इग्नू ई ज्ञान कोश किसका इनिशिएटिव है, या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि ई ज्ञान कोश है क्या, है ना। ऑलमोस्ट 95% ऑफ इग्नू प्रिंटेड मटेरियल हैज बीन डिजिटलाइज्ड अपलोडेड ऑन दिस रिपोजिटरी। तो अगर आप ये ओपन करोगे तो आप देखोगे कि मोर देन 95% आप इग्नू की ऐप भी है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे गूगल के, तो वहाँ इग्नू की ऐप मिलेगी, वहाँ आपको सारी बुक्स मिलेंगी उनकी जो ई कंटेंट है, ठीक है। एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ER नेट के नाम से है ये। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसने कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बहुत सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे AICT का हुआ, प्रोजेक्ट हुए, ये एग्रीकल्चर का जो मैं बता रहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये टेक्नोलॉजी के लिए है, जो BTech वगैरह के कोर्सेज है ये एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए है। और UGC जो है ना कि बाकी जो कोर्सेज है ह्यूमनिटीज वगैरह के, है ना, साइंस के, CSR जो है ना कि साइंस के कोर्सेज के लिए है। तो इन सभी की आपको एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, और यही है कि इन्होंने मिलके एक जॉइंट वेंचर शुरू किया था जो एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क को एनहेंस किया था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। इसकी एक बार रीडिंग लोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लेंगे ई यंत्रा किससे रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग रोबोटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, कल्पा क्या है, ई कल्पा डिजाइन से रिलेटेड है, तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे इससे। ज्ञानवाणी क्या, रेडियो पे जो इग्नू का प्रोग्राम है, दर्शन क्या, जो टेलीविजन पे वो है ना, स्वयंप्रभा 24x DTH चैनल वाला है, 34 हो गए अब तो उसके चैनल, 4 आवर है और 6 टाइम्स है स्वयंप्रभा का, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट है, वीडियो ट्यूटोरियल ई कंटेंट डिस्कोर्स और इवेल्युएशन वाला असेसमेंट वाला है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर 1 में बहुत स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। ये साक्षात पोर्टल है, साक्षात पोर्टल लॉन्च किया था 2006 में। वंस वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है फॉर एड्रेसिंग ऑल एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड नीड स्टूडेंट, जैसे स्कॉलर्स की, टीचर्स की, ये भी इग्नू ने डेवलप किया है ना। जैसे NIC है, मैं इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, नेशनल इंफॉर्मेशन सी से कंसोर्टियम है, या पता नहीं, वो आप एक बार देख लेना वो है। तो इन्होंने ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आप देखोगे इग्नू ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है एजुकेशन में, तो सबसे पहला जो टेक्निकल एजुकेशन में माना जाता है वो इग्नू का ही माना जाता है ना। उसके बाद इसमें है ग्रिड गरुड़ा क्या है, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एकेडमिक, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी ने डाटा डेवलप किया है अदर्स एप्लीकेशन के लिए, ये भी नेशनल नॉलेज नेटवर्क से रिलेटेड है ना। इसके बारे में आप थोड़ा गूगल करना, आपको पता चल जाएगा, नहीं वेबसाइट पे विजिट करना, तो आपको वहाँ सारी की सारी जो एकेडमिक, साइंटिफिक और रिसर्च कम्युनिटीज की प्रोफाइल मिलेगी, और बहुत सारा आपको वहाँ कंटेंट मिलेगा। श्रुति दृष्टि क्या है, कि जो विजुअल इम्पेयर्ड वुमेन थी ना, उनके लिए शुरू किया गया था इनिशिएटिव, कि भाई उनको टेक्नोलॉजी में किस तरीके से उनको कंफर्टेबल बनाए, उस उनकी थी। और कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, VIWE की फुल फॉर्म क्या है, तो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। IIT मद्रास ने भी, IIT मद्रास ह्यूमनिटीज में सबसे बड़ी IITs मानी जाती है, जिसने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। तो इसने जैसे ई कंटेंट डेवलप किया उन्होंने 996 कोर्सेज के लिए, मतलब इतने कोर्सेज का उनके पास ई कंटेंट अवेलेबल है, जो स्वयं पे भी बहुत बार प्रोवाइड कराते हैं। CEC का है, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, CEC क्लिक करोगे तो आपके सब्जेक्ट पे भी वहाँ बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, है ना। तो CEC है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर, यूट्यूब पे भी और इसकी वेबसाइट भी है ना, तो लेक्चर मिलेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़े बोरिंग से लेक्चर मिले, लेकिन वो जैसे दूरदर्शन स्टाइल में आपको बैठ के वो टीचर्स पढ़ाते हैं, कभी इसको आप विजिट करके देखना, ठीक है। ये टोटल 21 इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, NMEICT के थ्रू हायर एजुकेशन में। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई ना कोई किसी के भी बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर।
हाँ लेखिका है, लेखिका नीचे है शायद, इसमें मुझे बताना क्या रहेगा। अच्छा इसमें फिर और भी कुछ रहा होगा या यही। हाँ लेखिका ये 2007 में डेवलप किया था। ये एडवांस कंप्यूटिंग का है, आईटी मिनिस्ट्री एंड इजराइल। हाँ ये जो इनिशिएटिव था, ये पहला इनिशिएटिव था जो इंडियन की आईटी मिनिस्ट्री ने और इजराइल ने मिलके शुरू किया था। इसमें ये है कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते ना, उनको भी कैसे कंप्यूटर की हमें लिटरेसी देनी है, तो उसके लिए कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसका लाइव एग्जाम्पल गाँव में देखते हैं पढ़े लिखे, जैसे मैंने कल भी बताया था, उनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो मोबाइल यूज कर लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप यूट्यूब को यहाँ से चलाओ, आपको व्हाट्सएप से इस तरीके से लिखना, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उनको कैसे कंफर्टेबल बनाना है टेक्नोलॉजी से, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन आया तो आप ग्रीन सिग्नल को अप करोगे तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा, रेड से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव था। तो उसमें आपका ये जो ये लेखिका है नैपटेल का हमने पढ़ ही लिया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड, ये आईसी बेंगलोर ने मिलके शुरू किया था, री लर्निंग। तो ये अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, तो मोस्टली आपने देखा होगा कोई आईआईटी मद्रास ने किया, आईआईटी मुंबई के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, आईआईटी कानपुर के हैं। तो आप ये देख लेना कि किस यूनिवर्सिटी का क्या इनिशिएटिव्स है, और मोस्टली एजुकेशन के जो इनिशिएटिव्स है, जैसे इग्नू ने शुरू किया सबसे पहले, कि इग्नू ने ज्ञान दर्शन लेके आया, ज्ञान वाणी लेके आया, एडुसेट पे उन्होंने काम किया, ई कंटेंट उनका है ना। तो ये नहीं समझ में आया तो बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो, या फिर नेक्स्ट चले। मुझे आगे से बहुत बड़ा दिखता है ये। ई जर्नल कंसोर्टिया तो यही है कि AICTE और INDEST जो इसने ह्यूमन, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ वो MHRD का नाम चेंज हो गया है, ये ध्यान रखना, बहुत जगह MHRD लिखा पाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है ना, तो वो अब याद रख लेना। ये इससे क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा, बाकी मैं बता देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं, पाल NTSC और SECAM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। पहल क्या है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, जैसे अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग ब्रॉडकास्ट का सिस्टम होता है टेलीविजन का, कहीं कोई टेक्नोलॉजी यूज होती है कहीं कोल। अच्छा ये पाल एक दूसरा भी है, ये ICT में ही आता है पाल पे, ये जो आप जितने भी करते हो ना भीम ऐप, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, ये जिसमें भी जितना भी पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट का वो होता है ना, तो पाल टेक्नोलॉजी पाल पे यूज होता है, और ये उसका है शायद, एलन मस्क ने शायद सबसे पहले डेवलप किया था अगर मैं सही हूँ तो वो भी पहला। लेकिन यहाँ फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, एक वीडियो सिग्नल का स्टैंडर्ड है ये, तो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि कितने बेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स आएगी इसके। अच्छा दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। ये पता है डिजिटल होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे काम करता है, एनालॉग होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन पे काम करता है, वो ब्रेक डाउन नहीं आता उसमें, है ना। तो लेकिन आजकल जितने भी वो हैं टेक्नोलॉजी, वो मिक्स है, वो हाइब्रिड है, वो डिजिटल भी होती है और एनालॉग भी होती है ना। तो इसमें यही है कि जो वेस्टर्न यूरोप के मेजर एरिया है ना, सच चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में यहाँ पहल से काम होता है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन से। और नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी NTSC, ये मेनली नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियों में, USA, कनाडा जैसी कंपनियों में, सॉरी कंट्रीज में यूज होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट कलर TV ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ये फर्स्ट कलर TV ब्रॉडकास्ट सिस्टम था, है ना। इंडिया में जो कलर टेलीविजन आया वो सबसे पहले 1982 में आया कलर टेलीविजन, ठीक है, ये पेपर में तो नहीं आएगा। तो जब एशियन गेम हुए थे इंडिया में, सबसे पहले वो कलर टेलीविजन पे शो किए थे, तो 1982 का टाइम था जब इंडिया में कलर टेलीविजन आया, दुनिया में तो बहुत पहले आ गया था। तो जो NTSC का फॉर्मेट है वो कलर टेलीविजन का USA और कनाडा जैसी जो कंट्री है वहाँ यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंक्लूडिंग जापान, है ना। और जो थर्ड है इसमें सीक्वेंशियल कलर एवेक मेमोरे SECAM, तो ये भी एक कलर की मेमोरी, इट इज यूज मेनली ये फ्रांस में और जो वेस्टर्न यूरोप में है वहाँ यूज होता है, ठीक है।
एसी कैम यूजेज द सेम बैंडविड्थ जैसे पहले बैंडविड्थ यूज करता ना इतनी है, पर ये आता नहीं है। बस इसके इन डेफिनेशन याद कर लेना आप कि सॉरी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तो आपने सुना होगा। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है कि दो तरीके के सिग्नल होते हैं, जैसे ये एफएम सुना है रेडियो पे, एफएम का नाम ही तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि दो तरीके के सिग्नल होते हैं, जैसे एक होती है कैरियर वेव है ना, और एक होती है उस तरीके की वेव। जैसे दो तरीके की वेव होगी, एक तो ये सिग्नल हो गया, ठीक है, और प्लस में इसका होता है जो एनर्जी वेव होती है, जो कैरियर जो मेरा सिग्नल है ना, मेरा साउंड सिग्नल है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ, तो मेरी जो वेव है मेन वेव वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, ईएम वेव है ना, उसकी एनर्जी बहुत कम है। आपने एम्पलीफायर देखे होंगे, एम्पलीफायर क्या करते हैं, हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई कर देते हैं, आवाज़ को एम्पलीफाई मतलब वो मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब एनर्जी वेव इसके साथ जाएगी, जो भी एनर्जी वेव होगी उसके एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे, जब ये कंबाइन होके जाती है तो पूरी हाई एनर्जी में जाती है, और लास्ट में जब आपके पास डिलीवर होगी फ़ोन से, जैसे फ़ोन में हम यहाँ किसी के पास कॉल कर रहे हैं, तो मेरी साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ना, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैटेलाइट के पास जाएगी, सैटेलाइट से टावर के पास जाएगी, फिर मोबाइल के पास जाएगी, और मोबाइल का जो स्पीकर होता है, स्पीकर की ये क्वालिटी है कि वो साउंड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देगा। तो जो उसको वहाँ तक लेके गया तो वो एक एनर्जी वेव है, उसको कैरियर वेव बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में, अगर आप कभी पढ़ोगे तो। वो क्या करते हैं उसके साथ मॉड्यूलेट हो जाते हैं है ना, मतलब वो एक दोनों वेव एक दूसरे के साथ चिपक के जाती है। और डीमॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद डीमॉड्यूलेशन आता है, वो कैरियर वेव अलग हो जाती है और जो हमारी सोर्स वेव होती है जो ओरिजिनल वो अलग हो जाती है, और उसको साउंड वेव में कन्वर्ट करके हमें इतना ये मेन होता है। इसलिए एफएम को ये बोला गया है कि एफएम एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एरिया है, कि इसमें शायद लिखा भी होगा मैंने पढ़ा नहीं, ये रहा कैरियर वेव है ना, मॉड्यूलेशन कन्वे द इंफॉर्मेशन ओवर कैरियर वेव, वेरी इट्स फ्रीक्वेंसी कंट्रास्ट विद एम्पलीट्यूड। ये थोड़ा समझने में मुश्किल करेगा। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई साउंड वेव हमारी जो है ना कि कैरियर वेव के साथ अटैच होके जाती है ना, क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, एक लिमिटेड स्पेस तक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी साउंड वेव है, आप डायरेक्ट साउंड वेव को डिकोड कर रहे हो है ना, लेकिन यही जो साउंड वेव मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचानी है तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो मुझे कैरियर वेव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कैरियर वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ माइक पे, तो जो ऑनलाइन क्लासेज है बच्चे, तो वो ईएम वेव के साथ कनेक्ट होके जा रही है, और उनके पास फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग हो जाती है और साउंड वेव अलग हो जाती है। ये फिजिक्स है इसकी। एफएम को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला जाता है। एफएम इंडिया में आया था 1977 में, सबसे पहले चेन्नई में शुरू हुआ था, जिसको मद्रास बोलते हैं थे पहले है ना। ये आया आपको समझ में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, जो कैरियर वेव एनर्जी वेव के साथ मिलके चली जाए है ना। इसमें और क्या है भाई बताने के लिए, प्रसार भारती ये 1997 में, ये आएगा तो नहीं लेकिन आप पढ़ने के लिए कर सकते हो। प्रसार भारती जो था एक्ट आया था, जो प्रसार भारती जो नाम है उसका चेयरमैन थे, तो इसमें है ना जो टेलीविजन का और रेडियो पे अलग अलग तरीके से काम है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इज अचीव्ड ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी व्हिच वर अर्लियर वर्किंग एज इंडिपेंडेंट मीडिया यूनिट। तो जो सबसे पहले टेलीविजन आया ना इंडिया में, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1959 में आया था, उससे पहले 1923 में रेडियो आई थी मुंबई में, सबसे पहले जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो लेके आए थे रेडियो को, तो मुंबई में 200 होते थे ब्रॉडकास्ट हुए। तो उसके बाद 1930s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था, 1936 में AIR जो हम सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो वो बना था, और ये आगे चलता रहा, ठीक है। 1959 में जब टेलीविज़न आया, तो जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन था ना दिल्ली में, वहीं जो है ना कि टेलीविज़न का भी वो स्टेशन था, सेम स्टेशन में वो है ना कि दोनों शुरू हुई थी है ना। तो एक टाइम पे महसूस हुआ कि भाई रेडियो का डेवलपमेंट और टेलीविज़न का डेवलपमेंट साइमल्टेनियस नहीं हो रहा, तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो 1976 में चंदा कमेटी की रिकमेंडेशन पे रेडियो और टेलीविज़न को सेपरेट कर दिया था, अलग अलग इनके ऑफिस क्रिएट कर दिए थे। फिर प्रसार भारती ने आके दोबारा ये कहा कि उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई
जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है ना ऑल इंडिया रेडियो और डीडी के थ्रू जो इंडिपेंडेंट यूनिट है उसकी जो और ज़्यादा उसको कैसे एडवांस करें, और फिर जो है ना कि प्राइवेटाइजेशन उसमें आ गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी चैनल ओपन हो गए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का वो है। ऑल इंडिया रेडियो जो है ना कि 1936 में आया था, इसमें दे रखा होगा 1927 में जो है ना कि प्राइवेटली ओन्ड कोई कंपनी थी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पूछ ले कि ऑल इंडिया रेडियो 1936 में आया था, आपको रेडियो से यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में रेडियो का भी बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आज मन की बात जो है ना कि रेडियो से ही ब्रॉडकास्ट होते हैं क्योंकि उससे बहुत सारा ऑडियंस जुड़ा हुआ है, मोर देन 90% जो है ना कि एरिया में एस्टेब्लिश है और 99% पॉपुलेशन को वो कवर करती है ना। दूरदर्शन जो हमारा जो मैंने कहा था कि टेलीविजन आया वो 1959 में आया था इंडिया में दिल्ली में, और सबसे पहले एजुकेशनल टेलीविजन शुरू हुआ था। कोई ये पूछने लग जाए कि भाई टेलीविजन में ऐसे चैनल नहीं थे जो म्यूजिक के या एंटरटेनमेंट के, जो सबसे पहले तो एजुकेशनल चैनल शुरू हुए थे और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। 1982 में इसमें शायद लिखा नहीं कलर टेलीविजन का शुरू हो गया था, और 2014 में जो स्वस्थ भारत अभियान है उसकी हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट 2002 में आया था। कम्युनिटी रेडियो समझते हो, सामुदायिक रेडियो बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे रोहतक में है कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो का मतलब है कम्युनिटी रेडियो एक नीचे जो ऑडियंस होते हैं ना उसको वो करती है फैसिलिटेट। नीचे का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे ऑल इंडिया रेडियो वो तो पूरे इंडिया के है ना, जैसे रोहतक का रेडियो तो रोहतक के आसपास किसकी रेंज है कि भाई कितने गाँव में इसका नेटवर्क जाएगा, है ना। जैसे MDU में एक रेडियो स्टेशन अभी खुला नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, वो वर्किंग नहीं है, तो वो जो टावर लगा हुआ देखा होगा आपने स्टूडियो के बराबर में डिस्टेंस बिल्डिंग, तो वो रेडियो का ही है। थोड़े दिन में जब वो वर्किंग होगा तो यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर एरिया की उसकी रेंज होती है, तो वो 10 किलोमीटर एरिया के लोगों को ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो नीचे जो कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले क्या आया, प्राइवेट रेडियो आई इंडिया में, फिर क्या आया, पब्लिक रेडियो आई, उसके बाद क्या आया, कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट आया। तो कम्युनिटी रेडियो जैसे किसानों के बहुत सारे प्रोग्राम कम्युनिटी रेडियो पे चलते हैं, हो सकता है कि यहाँ जो है ना कि कम्युनिटी रेडियो में हम गेहूँ की और धान की खेती के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यही बात हम जो है ना साउथ में नहीं बता सकते ना, साउथ में तो गेहूँ होता ही नहीं। हो सकता है महाराष्ट्र में हमें कपास पे प्रोग्राम चलाने पड़े कृषि दर्शन के, है ना। तो इसलिए कम्युनिटी रेडियो आया कि एक स्पेसिफिक एरिया की जो ऑडियंस है उसको वो फैसिलिटेट कर सके। और क्या है इसमें, IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसको बाद में पढ़ेंगे दूसरे उसमें। इंटरनेट प्रोटोकॉल हुआ है कि जब भी हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो IP का सबसे ज्यादा यूज होता है, कि एक नेटवर्क को सर्वर को हमसे कनेक्ट करने के लिए IP का यूज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, जो ये है प्रेस प्रिंट मीडिया के RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया, जिसमें जितने भी न्यूज पेपर है इंडिया के वहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका सारे रिकॉर्ड रखते हैं उसमें। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है ना जो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PIB है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या उन्होंने नोटिस निकाला है, जितने भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगी जो भी इनिशिएटिव होंगे सारे PIB के थ्रू जाएंगे मीडिया के पास या लोगों के पास, है ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसका काम है। पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन्स है, ये अलग अलग कैंपेन्स होती है जो डिजिटली चलती है। न्यूज एजेंसीज का काम होता है वो न्यूज कलेक्ट करती है और वो जो है ना कि डिसेमिनेट करती है अलग अलग न्यूज चैनल्स को, न्यूज पेपर्स को, है ना, क्योंकि बहुत सारी एक चैनल का और एक न्यूज पेपर का एरिया बहुत लिमिटेड होता है, तो न्यूज एजेंसीज का काम होता है वो न्यूज कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, है ना। उसके बाद है PTI और UNI, ये सारी की सारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये न्यूज एजेंसीज के एग्जांपल है, आपने बहुत बार देखा होगा। ANI का माइक होता है मोस्टली, जो भी आप न्यूज़ देखते हो, तो ANI भी एक न्यूज एजेंसीज है जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और न्यूज़ चैनल को डिसेमिनेट करती है, ठीक है। NAM है न्यूज़ नेटवर्क, अभी आया टाइम ना होगा इसका, ये आया ना लास्ट वाला समझ में, जो कुछ नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं।
वैसे एक बार आप इसको रीडिंग देंगे, ये पता होना चाहिए कि पीटीआई क्या, न्यूज एजेंसी है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है आजकल, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले या चले बताओ, ब्रेक चाहिए, ठीक है। हाँ वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ये कराएंगे बाद में, लास्ट में कराएंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार। वेब 1.0 होता है कि जो डायरेक्ट वेबसाइट्स के जो है, वेब 2.0 में हमारा जो यूजर की इंटरेक्ट और यूजर का वो बढ़ जाता है पार्टिसिपेशन, जैसे बहुत सारी चीज़ हम एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे ब्लॉग हुआ, ठीक है। वेब 3.0 उससे भी ज़्यादा है, मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो वेब 1.0, 2.0, 3.0 के मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो डिफाइन करना है कि वेब 1.0 क्या है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो इस बुक में नहीं है ना वो टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है। ये यूनिट स्कोरिंग है, एक बार आपको आ गया ना तो फिर आ ही गया, है ना। और क्वेश्चन लिमिटेड है, इसमें पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, आप डेली पढ़ना जो भी कराए ना, तो फिर आपका अलग से बर्डन नहीं होगा, नहीं तो लास्ट टाइम पे ये लगेगा कि सिलेबस बहुत रह गया है। तो आप आज जितना कराए उतना ही घर से करोगे ना, तो आपकी 4-5 हफ्ते में एक यूनिट कंप्लीट खत्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो आपको दोबारा से टाइम देना पड़ेगा इसको। समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं मैं ऐसे ही लगाऊँ, जो नहीं आए समझ में पूछ लेना, ये थोड़ी ऐसी यूनिट है, थोड़ी समझाने का इसमें कम है, याद करने का ज़्यादा है। बाकी कोई यूनिट नहीं शुरू हुई ना अभी तक आपकी, 21 से पेपर है ना, पढ़े। ये देखो आप सभी को आता है, मैं वैसे एक बार रिवाइज कराऊंगा, जो चीज़ नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना बीच में रोक के, है ना, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, जनरेशन से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड में, फोर्थ में, और फिफ्थ जनरेशन क्या है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जनरेशन की जब हम बात करें कंप्यूटर की, आप देखो डेवलपमेंट कितना, कंप्यूटर ने कितने स्पीड से डेवलपमेंट किया है। 1940s के आसपास जो है ना कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, और आज जो हमें 2023 में है, है ना, 2023 में जो है ना कि फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है। मतलब जो AI है ना, जिसको हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम बोलते हैं गूगल ओपन द MDU वेबसाइट, तो इसका मतलब वो AI है। कि एक टाइम ऐसा था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, 1940s 50s, ये नहीं पूछेगा कोई भी, ये पता होना चाहिए उस टाइम पे मेमोरी में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी स्टोरेज के लिए, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स में आपको क्या बताऊं, कैथोड रेज ट्यूब देखी है आपने, पुराने टेलीविजन है घर में, उसको पीछे से ओपन करके देखा, वो बहुत बड़ी ट्यूब होती है, कैथोड रेज ट्यूब होती है, कोई खुला हुआ फूटा हुआ टीवी देखा हो, तो उसके पीछे है ना ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है उनकी मूवमेंट से इमेज बनती है, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब्स उस तरीके के होते थे, तो स्टोरेज डिवाइस होते थे उस टाइम पे। तो क्वेश्चन ये आएगा फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस थे वो किस तरीके के, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, वो हाई इलेक्ट्रिसिटी लेती थी, बहुत बड़ा साइज था उसका, वन रूम के आसपास उसका साइज था, पावर ज़्यादा लेगा स्पीड कम होगी, टाइम ज़्यादा लेगा, यही चीज़ें याद रखनी है, जब कंपैरिजन आएगा ना तो यही आएगा, टाइम कितना लेता था, स्पीड कितनी थी, पावर कितनी कंज्यूम करता था, स्टोरेज के लिए मैं वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। और सेकंड जनरेशन जब आती है, सेकंड जनरेशन में हम जो है ना कि ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर समझते हो क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं, तीन सिग्नल है, कभी आपने वो देखा है मदरबोर्ड देखा है किसी चीज़ का, कंप्यूटर वगैरह का, ठीक है, गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसके तीन तीन दो आउटपुट, तीन आउटपुट होते हैं,
और डायोड होते हैं, डायोड में दो होते हैं, डायोड होती है ऐसी जिसमें दो सिग्नल है, इधर से सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिकल वो है, इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके के। तो डायोड और ट्रायोड भी बोलते हैं, ट्रायोड को ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो जो मदरबोर्ड होता है ना, जो ग्रीन बोर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, उस पर ट्रांजिस्टर होते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में आ गए ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क भी यूज हुई। और इसमें ये याद रख लेना कई बार कि जैसे फर्स्ट जनरेशन के क्या थे, मार्क वर्न और ENISC ये था नाम। और सेकंड जनरेशन में कोबोल फोरट्रेन के वर्जन थे IBM, ये इस तरीके की चीज़ याद रख लेना। तो सेकंड फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद आ गया, तो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये पावर क्या लेगा, कम लेगा या ज़्यादा? कम पावर लेगा, स्पेस ज़्यादा, स्पेस कम लेगा, स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम होगा, है ना, असेस होने का, ठीक है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो जो चिप्स होती है ना उनको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जो चिप यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें भी लो पावर कंजप्शन था, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट थे, मीडियम स्केल के थे, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था इसमें। इसमें जो है ना कि मशीन लैंग्वेज थी, और जो असेंबली लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, तो जो कोडिंग होती थी कोडिंग के हिसाब से हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता था, ठीक है। और थर्ड जनरेशन सबसे पहली जनरेशन थी जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते थे। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में, वो कौन करते थे, जो असेंबलर और इंटरप्रेटर है, जो आप आगे पढ़ोगे, ये तो आपके कॉमर्स में भी आपने बहुत बार पढ़े होंगे। तो ये इसके एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे। हाँ, फोर्थ जनरेशन में थे LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई थी इसमें, और रिडंडेंट ऑफ एरे वगैरह को आप भूल जाना, मल्टीमीडिया बेसिकली इसमें यही यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आया था इसमें, जैसे IBM, PC, एप्पल के जो कंप्यूटर है वो आए थे। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है, प्रेजेंट और इसके बियॉन्ड, अभी तक बहुत कम यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन के, जो इंटेलिजेंस जो रोबोटिक्स साइंस में यूज होते हैं ना, रोबोट्स हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुए, या आप कह सकते हो जो बड़े बड़े रिसर्च लैब हैं वहाँ बहुत सारे सुपर कंप्यूटर चले हुए हैं। जैसे गूगल का ऑफिस है, गूगल के ऑफिस में भी तो जैसे कंप्यूटर होगा कोई, इसका तो इसके पास है ना, इसका जो सर्वर है, कंट्रोल है, जो भी है, जिसको CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इसीलिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल हुआ है, वो हुआ, तो उनका भी तो कोई ना कोई सर्वर होगा ना। तो वो बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कैलकुलेशंस करते हैं। तो हर चीज़ का अपना सर्वर है। तो उसमें भी AI बहुत कम आया, AI आया मोबाइल में, जैसे मोबाइल गूगल में आया, अलेक्सा आया, और ये बिक्स भी है सैमसंग में। तो ये AI के वो हैं, है ना। हमारे कंप्यूटर जो है बहुत सारे, हम कहते हैं कि जैसे वॉइस को रिकॉग्नाइज करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझने लगे। अब जो ये लैंग्वेज है ABCD, ये हाई लेवल लैंग्वेज, हम कोई कमांड देते हैं तो कंप्यूटर उससे रन हो जाता है। जो रियली में कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, 0-1 की जो है ना कि भाषा कंप्यूटर समझता है, है ना, बाइनरी लैंग्वेज। ये भी बताएंगे हम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, वो लास्ट में ही करेंगे इसका। तो 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो जो स्टार्टिंग में कोडिंग होती थी ना, वो इसी लैंग्वेज में कोडिंग होती थी, थोड़ी और टिपिकल होगी इससे, ठीक है। उसके बाद C++ वगैरह आई, हम कोड हैज इंक्लूड iostream.h, पाइथन आई, बहुत सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो जो अभी जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ रहे हैं ना, वो इंटरनली बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज समझ रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप गूगल को कुछ भी कमांड देते हैं अपनी वॉइस में, तो वो गूगल समझ जाता है। हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी रिकॉग्नाइज कर लेगा। लैंग्वेज के भी इतने ऑप्शन आ गए। तो ये फिफ्थ जनरेशन का टाइम है, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है फिफ्थ जनरेशन की पूरी कि पूरा ही आर्टिफिशियल हो जाए, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग ने, आप देखोगे तो AI के अगेंस्ट लिखा है बहुत सारा, कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन के लिए खतरा आगे आने वाले टाइम पे, है ना। रोबोट्स जो है ना, कि जिस तरीके से
काम करते हैं, जो कार्स आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक है, कोई भी फंक्शन, क्योंकि कंप्यूटर्स कभी भी गलती कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन ब्रेक नहीं लगे एक टाइम पे, जो पहले मैनुअली कार थी, कई बार वीडियो भी देखे होगे आपने, गाड़ी खड़ी और चलने लग जाते हैं, तो कोई कमांड डिसमैच हो जाए, कंप्यूटर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये AI है, तो उसके अपने फायदे भी और उसके नुकसान भी है, जो अलग अलग उसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली 5th generation है, 1st generation ऑफ कंप्यूटर जो आया उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, 2nd generation में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, 3rd generation में इंटीग्रेटेड सर्किट आए, 4th generation में VSI और LSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और 5th generation जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, रोबोट्स वगैरह की है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात है, ठीक है, यहीं से है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एनालॉग तो जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअस फंक्शन पे काम करते हैं, ये बताऊं कैसा बताऊं, जैसे आपको थर्मामीटर होगा ना, थर्मामीटर में जैसे ही टेम्परेचर अप होगा वो ऐसे ही होगा, उसमें ऐसे नहीं होगा, ऐसे गया ऐसे नहीं होता, ठीक है। डिजिटल है जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे काम करते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि जो एनालॉग का सिग्नल मैं बताऊं वो कंटिन्यूअस ऐसे चलेगा, उसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा एनालॉग वाले में, और डिजिटल वाले में आप देखोगे उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है, वो ऐसे भी सिग्नल हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है, उसके बाद ऐसे चले, ठीक है। वो अलग अलग फंक्शन पे कंप्यूटर काम करते हैं, लेकिन जो मोस्टली कंप्यूटर है आजकल वो सारे के सारे क्या है, वो डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन है। इसमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें भी जब हम बात करेंगे एनालॉग की, डिजिटल की, हाइब्रिड की, तो जो हमारी मशीन आती है आजकल ECG वगैरह करते हैं सारे, जितना भी आप कंप्यूटर, आपका मोबाइल फ़ोन भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल, वो सिर्फ एनालॉग नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस पे थे, और ये साइज के अकॉर्डिंग है। तो साइज के अकॉर्डिंग जो है ना कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर क्या है कि जो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को पे अपनी रीच पहुँचाए, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे ISC बेंगलोर की लैब है या IITs के जो बहुत सारी बड़ी बड़ी लैब रन कर रही है, तो वहाँ सुपर कंप्यूटर ही होता है। रेलवे का जो जितना का जितना नेटवर्क है, मतलब एक दो का अलग है, या फिर गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, जितने भी ऑफिस है, ये सभी के सभी क्या है, सुपर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का कई बार वो पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल दो, ठीक है। तो टाटाज EKPRAM सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कई बार, ठीक है। तो ठीक है, टाटा का IKEA है ना, तो आप देख लेना और भी एग्जांपल देख देना एक दो सुपर कंप्यूटर के, है ना। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के है, क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हाई स्पीड है, MISP मिलियन जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पर सेकंड कैलकुलेट करते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं जहाँ हंड्रेड्स ऑफ जो है ना कि कंप्यूटर साइमल्टेनियसली वर्क कर सके, थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट हुआ, या हम कह सकते हैं कि अन अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो हो सकता है कि हजार एजुकेटर होंगे उनके पास एक टाइम पे रन कर रहे हैं, या जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें जो, हाँ उसमें, तो वहाँ जो है ना कि ये यूज होते हैं, ठीक है। रेलवे में, बैंकिंग में, ये दे रखे एग्जांपल, बैंकिंग में, एयरलाइन में, रेलवे में, यहाँ जो है ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज, कंप्यूटर वही होता है, बस इसका सर्वर जो है ना कि CPU वो बड़ा होता है, उसमें वो मल्टीपल फंक्शन कर सकता है, ठीक है, एक टाइम पे। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होते हैं कि जो 4 से लेके 200 कंप्यूटर्स तक रन करे, ठीक है। वो अलग अलग उसमें इंस्टीट्यूशन में यूज होता है, हो सकता है कि किसी का अपना पर्सनल बिजनेस है वहाँ भी यूज हो जाए, तो मिनी कंप्यूटर वो होता है। उसके बाद है
वर्क स्टेशन है तो वो तो लैन वैन पे जो काम करते हैं ना, जो वर्क स्टेशन पे यूज होते हैं, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, हाई क्वालिटी वो चाहिए, वो सारे के सारे वर्क स्टेशन के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस का फर्क है, इसमें 200 तक है, तो इसमें ये हो सकता है कि वर्क स्टेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग कंप्यूटर यूज होंगे। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स वगैरह का ये है, जो लैन का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे केबल का नेटवर्क है, वहाँ वर्क स्टेशन यूज हो सकता है। एयरटेल अपना वो दे रहा ब्रॉडबैंड, या BSNL के नेटवर्क होते हैं लोकल एरिया में, या किसी का DTH सर्विस है उस तरीके से। और उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हमारे ये जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप वगैरह और PC वगैरह जो ये होते हैं हमारे डेस्कटॉप, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना सारी चीज़ें, तो डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, पैड हो गया, आजकल जो टैब वैब आते हैं, ये सारे के सारे। और अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, ज़्यादा हो रहा तो आजकल कर लेंगे, होता ना, मुझे लग रहा ज़्यादा हो गया आज। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना जल्दी होगा आपको फ़ायदा हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे फिर हम, है ना। तो यही था, आप इसके बारे में कल पढ़ के आना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, उसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, है ना। तो इसके बाद भी क्लास है आपकी कोई? अच्छा, लास्ट क्लास होती है। कुछ डाउट हो तो पूछो। इसको है ना आप साथ साथ पढ़ना और क्वेश्चन भी करना, जैसे पियर्सन की बुक है ना आपके पास, सभी के पास, जिसके पास नहीं है एक दूसरे से मांग लो, नहीं तो ये रखिए ले जाओ यहाँ से जिसके पास नहीं है। ठीक है, उसमें है ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसके बाद वो क्वेश्चन है उससे, तो आप क्वेश्चन डेली करो डायरेक्ट। थोड़ा बोरिंग भी लगेगा आपको कि ICT में इतनी चीजें याद रखनी पड़ रही है, लेकिन ये है कि एक बार आपको आ गई तो फिर इसमें गलत नहीं होते क्वेश्चन। देखो जैसे इसमें ICT का बेसिक्स है, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो जो जो टॉपिक में पढ़ाता जाऊँ ना उसके क्वेश्चन करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछते रहना बीच बीच में, कंप्यूटर टर्म्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे से सुनने के लिए।